मैं नितिन वर्मा और ये धीरू यादव। ये जो फिल्म है रैम्बो राजा, ये भोजपुरी में बन रही है और बीक ऑफ एंटरटेनमेंट बैनर के तले बन रही है। इसमें स्टार्स के बारे में बताइए आप। कास्टिंग में हमारे सबसे मेन तो सबसे पहले नए एक्टर हमारे संजीव मिश्रा जो सिंगर है वो डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से। रितु जी हैं, रितु सिंह, प्रियंका सिंह, प्रियंका पंडित और संजय भैया हैं, संजय पांडे जी, महेश आचार्य जी हैं और बाकी लोग हैं। ये कास्टिंग है। म्यूजिक घुंगरू भैया ने दिया है, अविनाश झा घुंगरू जी। पोस्टर की बात करें तो पोस्टर तो काफ़ी हिंदी जैसा लुक लग रहा है और डिज़ाइन इसके पीछे कुछ डिज़ाइन का कुछ कारण है? देखिए, हमने कोशिश किया है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे यू कांट डू द बेटर डू द डिफरेंट, तो मैंने कुछ अलग करने का कोशिश किया। कितना मेरा कोशिश सही है तो आप लोग बताएंगे और पब्लिक बताएगी। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में किस प्रकार की कहानी है। मैं उसके पहले ये बताना चाहूँगा कि ये फिल्म के जो निर्माता हैं वो हैं मिस्टर एडवर्ड विजयराज, जो साउथ से आए हैं। ही इज़ अ पर्सन फ्रॉम साउथ एंड केम टू बॉलीवुड टू प्रोड्यूस द मूवी। तो ये एक नई बात है हमारी फिल्म में, और इसके कारण और धीरू का जो योगदान है इसमें उसके कारण ये फिल्म को एक बहुत डिफरेंस एंगल मिला है। इसका एक डिफरेंट एंगल मिल रहा है इसमें। तो ये टिपिकल, मतलब जैसा आप लोग देखते हैं वैसा नहीं, लेकिन भोजपुरी में बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आपको एक फैमिली फिल्म जिसको कहते हैं वो आप देख पाएंगे। और कुछ क्या उसमें कहानी? धीरू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ी एज ए डायरेक्टर बहुत बड़ी जवाबदारी आपके कंधे पे है, और कहते हैं जब जवाबदारी का बोझ कंधे पे पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस पर कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल ऑब्वियसली अच्छा फील आ रहा है। मैं 6 साल पहले जब बॉम्बे आया था तो मैं सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पर इतने बड़े बड़े कलाकार मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हुए, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। लोग मेरे ऊपर बिलीव किए। ये तो समझिए मतलब एग्जामिनेशन हॉल का एडमिट कार्ड मिला है, एडमिट कार्ड से लोग खुश है कि अच्छा है। तो बाकी फिल्म जब मैं ट्रेलर लॉन्च करूंगा तो इससे ज़्यादा बेहतर बताऊंगा फिल्म के बारे में। अभी तो रैम्बो राजा ही फिल्म आपने क्यों चुना करने के लिए, इसके पीछे कोई कारण? नहीं, एक्चुअली मैं एक कमर्शियल इंटरटेनमेंट फिल्म बनाना चाहता था, तो ये टाइटल मेरे को ऐसा लगा कि एक इंटरटेनमेंट टाइटल सूट हो रहा है, इसलिए मैं कोई इसमें विशेष ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट फिल्म बनाना चाहता था तो एक इंटरटेनमेंट है। नितिन जी, ये कब तक शूट हो पाएगी फिल्म? इसकी शूटिंग जो है हमारी बहुत जल्द सेप्टेम्बर एंडिंग्स में स्टार्ट हो जाएगी। और प्रॉब्लम समझ लीजिए 2 महीने का है अपना शेड्यूल है, कैमरा लुक सर, और 2 महीने के बाद 1 महीने का प्रमोशन होगा, उसके बाद फिल्म रिलीज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस साल आप लोग इस फिल्म को देख पाएंगे। धीरू जी, कुछ और अनाउंस करने वाले हैं आज? मतलब दो डबल धमाका होने वाला है। दूसरा धमाका क्या है? रैम्बो राजा के अलावा? जी, रैम्बो राजा के अलावा दूसरी फिल्म, उसके बारे में बेहतर ये बता पाएंगे मेरे से। दूसरी फिल्म एक है डाई विद डिग्निटी, मूवी का नाम है। ये मूवी हम लोग बायलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में एक साथ बना रहे हैं। ये एक मैसेज देने वाली मूवी है जिसमें ये मैसेज रहेगा कि ज़िंदगी डिग्निटी के साथ कैसे जिया जाए, और अगर आप डिग्निटी के साथ जीना सीख लेंगे तो डिग्निटी के साथ मरना भी आप सीख लेंगे, ये इसमें बताया जाएगा। यही है हमारा। नितिन जी, दोनों जिसे जानना चाहेंगे कि रैम्बो राजा आखिर जब ये थिएटर पे लगेगी तो दर्शक क्यों देखने जाए, क्या इसमें कुछ खास है? दोनों जन बिल्कुल इसमें देखिए, हर डायरेक्टर जब फिल्म स्टार्ट करता है हर फिल्म को तो यही सोचता है कि मैं और फिल्मों से अलग बना रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो ये लगेगा कि हाँ, हर डायरेक्टर तो यही बोलता है कि मैं अलग बना रहा हूँ। मैं अलग नहीं बना रहा हूँ, मेरा बनाने का तरीका अलग होगा, ये मेन। और इंटरटेनमेंट, पब्लिक को इंटरटेनमेंट मिलेगी जो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि बहुत सारी फिल्में हम देखें। धीरू जी, अगर अलग की बात करें तो क्या साइंस पॉकेट? नहीं नहीं, वही तो मैं बोला, हर आदमी यही बोलते कि मैं अलग बना रहा हूँ। मैं अलग नहीं बना रहा हूँ, मेरा बनाने का तरीका है। अलग में नहीं बना रहा, बना रहा हूँ फिल्म, उसमें भी हीरो होंगे, हीरोइन होंगी, विलेन होगी, बस मेरा तरीका अलग होगा ट्रीटमेंट का। जी नितिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट चलते चलते? मैं इससे सहमत हूँ कि कुछ नया नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम लोग नए तरीके से बना रहे हैं, यही डिफरेंस है। चीज़ तो वही रहेगा, लड़का लड़की रहेगा ही, विलेन रहेगा ही, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, दुख सुख सब रहेगा, तो फॉर्मूला तो वही है, लेकिन हम डिफरेंट एंगल से उसको बनाएंगे, एक ट्रीटमेंट, नया ट्रीटमेंट देंगे। जैसा कि आप पोस्टर में दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है पोस्टर में, एक नया ट्रीटमेंट देंगे हम लोग जिसको आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। आई एम श्योर। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।